हेलो हाँ हेलो। जी, नमस्ते। हेलो हाँ हेलो, कौन? अच्छा, जी मैम, मैं इनेबल होम ट्यूशन से बोल रहा हूँ। अभी आपकी एक आपका एक मैसेज देखा मैंने। हाँ, होम ट्यूशन। अच्छा, बाबू नाइन्थ क्लास हमें में। नाइन्थ क्लास के लिए टीचर चाहिए हमें अच्छा, देवर में, टीचर मिल जाएंगे मैम। मतलब कि अच्छे टीचर हमको चाहिए कि ठीक है मैम, बच्चे कौन से स्कूल में हैं? श्री राम सेंटेनियल स्कूल, श्री राम स्कूल में है। टाइमिंग हाँ जगनपुरा। कौन सा लेना चाह रहे हैं मैम? टाइमिंग हम लेना चाह रहे हैं 5 बजे। 5 बजे का स्लॉट खाली नहीं है मैम। 5 बजे का नहीं खाली है? वो 3:30 में तो आती ही है। 7 बजे के बाद का होगा मैम। 7 बजे के बाद? ठीक है, तो 7 बजे से। अच्छा, हाँ, 7 से 8 हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे मैम मिड सेशन चल रहा है ना। अब जो भी टीचर है सब कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, तो भी ठीक है। 7 से 8 का टाइमिंग स्लॉट मिल जाएगा आपको, मतलब 6 के बाद का स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एड्रेस क्या हो जाएगा अपना? बेउर बेऊर। जेल के जस्ट पीछे गंगा विहार कॉलोनी, कामता हेरिटेज अच्छा अच्छा गंगा अपार्टमेंट। विहार कॉलोनी, ठीक हाँ है। उधर तो हमारे टीचर जाते हैं। तो क्या ये रेट चल रहा है? पेमेंट मैम आपका 5,000 रुपीज हो जाएगा। है 5,000 रुपीज मंथली मंथली 5,000 हो जाएगा? जी मैम। अच्छे बहुत टीचर ज्यादा हैं नहीं लग रहा है? मैम। देखिए, चार्ज तो टीचर का होता है, अच्छे टीचर का चार्ज हम बताएं, जिनका जो बोर्ड में, क्योंकि बाबू तो अब आफ्टर 3 मंथ्स तो इसमें चला जाएगा ना, बोर्ड में ना चला जाएगा, 10th में ना। हाँ, हाँ, फिर भी कुछ ज्यादा लग रहा है। चलिए तो कुछ कम कर दिया जाएगा। ऐसे आप कितना तक में चाह रहे हैं मैम, बताइए थोड़ा सा। नहीं, हमें ज्यादा कुछ लग रहा है। 5,000, 4,000 तक के कितना मैम? चलेगा? 4,000? तो मैम एक कंडीशन होगा कि अभी 4,000 में टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन आफ्टर मींस कि 9th, जब बच्चे 10th में चले जाएंगे अप्रैल में, और अभी जो 2 एंड 3 मंथ्स जो टाइम बचा हुआ है उसमें टीचर अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और आपके बच्चे का प्रोग्रेस आपको दिखेगा तो आप पेमेंट को बढ़ा दीजिएगा मैम अप्रैल में। कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको वैसे? मैम क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है मैम, महंगाई बढ़ चुका है, आखिर जो टीचर हैं उनका भी तो इस। पहले भी तो हम लोग होम ट्यूटर हाँ मतलब अच्छा कि कर ही होंगे मैम। रहे थे ना। जरूर जरूर मैम जरूर। तो अभी तो मैम हम आपके बात पॉइंट को ही एग्री कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो हाँ अगर आपके बच्चे पर मेहनत करेंगे तो आपसे आपसे तो आपसे ही ना पेमेंट खोजेंगे मैम, उनका तो प्रोफेशन है वो। प्रोफेशन है। और क्लास कितना दिन लेंगे? 4 डेज इन अ वीक। 4 days in a week। तब तो ज्यादा, हमें तो ज्यादा लग रहा है, ऐसे बात करके देखेंगे पहले। मैम देखिए, ज्यादा और कम का तो बात नहीं है, टीचर का बात है यहाँ पे। टीचर आपको अच्छे दे रहे हैं क्योंकि बच्चे बोर्ड में जा रहे हैं, और अभी से तैयारी अच्छा, अच्छे से होगी तो बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिस दिन रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना मैम, उस दिन आपको ज्यादा नहीं ठीक लगेगा। है। साइंस का ही के ही टीचर, मतलब कि जो हाँ हाँ साइंस का ही हाँ सब्जेक्ट हाँ साइंस का और मैथ टीचर अच्छे है। से पढ़ाएंगे। मैथ में नहीं? हाँ, मैथ और बायो दोनों, मतलब कि साइंस में करवाना, आगे करके नीट में करवाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उस टाइप के हमको टीचर चाहिए। मतलब टीचर ऐसे चाहिए जो बायोलॉजी अभी से स्ट्रांग करते हुए चले, यही नहीं ना। नहीं मतलब कि नीट का मेन है कि उसको ये करवाना चाहते हैं, तो उसी का भी ज्यादा हाँ, ध्यान तो देना नीट के लिए होगा मैम, तो नीट के लिए तो बायो होता है, मैथ हेड साइड हो ना। जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना है तो फिर बायो, और ये जाना है तो फिर
हो जाएगा अभी बाबू को। और भी कोई कोचिंग और भी दिए हुए हैं कि सिर्फ होम ट्यूशन ही है? कोचिंग वगैरह तो नहीं दिए हुए थे, होम ट्यूटर ही आते थे पहले, और इधर 2 महीने से नहीं आ रहे हैं, तो नहीं रखे हैं 2 2 ढाई महीने। आप मैम एक बार हम लोग को बताइए, हम टीचर भेजते हैं, टीचर पढ़ाएंगे, आप देख लीजिए, बच्चे पढ़ के देख लेंगे, आपको कैसा लगेगा आप बताइए, ठीक है ठीक है ना? कल शाम में टीचर को भेजते हैं मैम, ठीक है। ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम।